नमस्कार, आप देख रहे हैं SDF लाइव इंडिया और मैं हूं गौरव सिन्हा। प्रतिमा विसर्जन के दौरान बाढ़ बालाओं के साथ अश्लील गानों पर ठुमके लगाए जाने का किया विरोध तो युवाओं ने पीटा। घटना में जख्मी ने दर्ज कराई शिकायत। बिना लाइसेंस के युवाओं द्वारा न केवल मां सरस्वती की प्रतिमा को स्थापित किया गया बल्कि बाढ़ बालाओं के साथ रात भर अश्लील गानों पर अश्लीलता की हद पार करते हुए जमकर ठुमके भी लगाए गए। हद तो तब हो गई जब आसपास के लोगों ने विरोध किया तो युवाओं द्वारा लाठी डंडे भी चलाए गए। इस घटना में जख्मी हुए स्थानीय एक शख्स का CHC में इलाज चल रहा है। यह घटना घटित हुई है खगड़िया जिले के परबत्ता प्रखंड अंतर्गत सियादतपुर अगवानी पंचायत के अगवानी गांव में। बताया जा रहा है कि मध्य विद्यालय में बिना लाइसेंस के स्थानीय युवाओं द्वारा प्रतिमा स्थापित कर रात भर बार बालाओं के साथ अश्लील गानों पर ठुमके लगाए गए। यहां तक कि प्रतिमा विसर्जन के दौरान भी बार बालाओं के साथ अश्लील गाना बजाकर क्षेत्र में भ्रमण किया गया। विसर्जन के दौरान बार बालाओं सहित युवाओं द्वारा अश्लीलता की हद पार किए जाते देख स्थानीय लोगों को रहा नहीं गया। विरोध किए जाते ही युवाओं की टोली अगवानी गाँव निवासी मनन सिंह के पुत्र बम्बम सिंह पर टूट पड़ी। बम्बम सिंह ने परबत्ता थाने में लिखित शिकायत देकर कहा कि घर के आगे कानफारू DJ बजाते हुए बार बालाओं के साथ अश्लील गानों पर ठुमके लगाते हुए गुजर रहे युवाओं को समझाने बुझाने के बीच कहासुनी होते होते सभी मारपीट पर उतारू हो गए। इस घटना में संलिप्त अंशु कुमार समेत कुल 10 लोगों को नामित करते हुए थाने में लिखित आवेदन दिया गया है। इधर परबत्ता थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार पाल का कहना है कि पीड़ित बम्बम सिंह द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में विभिन्न बिंदुओं पर पूछताछ कर पुलिस प्रक्रिया पूरी करने के उपरांत मामला दर्ज किया जाएगा। बहरहाल यह मामला खासे सुर्खियों में है और स्थानीय लोगों का कहना है कि अश्लीलता पड़ोसने और विरोध करने वालों के साथ मारपीट करने के आरोपियों पर विधिसम्मत कार्रवाई जरूर की जानी चाहिए। SDF लाइव इंडिया के लिए श्रवण आकाश की रिपोर्ट। धन्यवाद। नाम हुआ बम्बम जी। घर हुआ अगवानी। कैसे मारपीट हुआ? यह मारपीट हुआ सरस्वती पूजा स्कूल में मध्य विद्यालय बोरीवन में लड़के सब कर रहे थे। उनको कल जानकारी हुई कि जो उसमें स्टेज वगैरह दी है ना, हम उस पर ध्यान नहीं दिए क्या होता है नहीं होता है कि चलो भाई क्या करता, हम गए भी नहीं। उसके बाद हमको फोन आया, यह मुख्य स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटिव है, फोन की कि हमारे मना करने के बावजूद भी लोग नहीं मान रहा, तो हम लोग करेगा ही तो जाइए आप प्रशासन को सूचना दे दीजिए। DO है थाना प्रभारी हैं, बोले ठीक है जाके हम सूचना दे देते हैं। उसके बाद फिर कल जो है सो पता चला कि इसको कुछ आदमी पे 107 हुआ है। हमको तिलक में जाना था उत्तम बाबू की लड़की की बचिया में। हम घर से 3 बजे निकल गए और रात में उधरे रहे। फिर सवेरे आए घर करीब 9 बजे आए तो अपना लेबर वर्क काम कर रहा था उसी जगह समुदाय भवन बन रहा है, देखभाल हम ही करते हैं। लेबर वर्क को पेमेंट करना था, सारा कुछ निकाल के दे दिए। उसके बाद कुछ सामाजिक तत्व आके उस जगह गाली गलौज किया रात में। हाँ, मैंने उस जगह था उसका बेटा किस का बेटा रात में आपके से गाली। उसके बाद अश्लील गाना प्रोग्राम हुआ? अश्लील प्रोग्राम भी रात में हुआ। अच्छा, चला पूरा उसका वीडियो रिकॉर्डिंग है। अश्लील गाना चला था? हाँ, अश्लील गाना चला। बाल बलाई भी आई थी क्या? हाँ, बाल बलाई भी आई। अच्छा जी, मारपीट फिर कब कैसे हुआ? उसके बाद हुआ गाली गलौज। हम लोग पूछे किसको गाली गलौज, हमारे पिताजी से भी हमारे पिताजी बोले कि घर के आगे किसको गाली गलौज कर रहे हैं, ये मारपीट कैसे हुआ कब? उसके बाद हम आए, उसके बाद देखे DJ गाना थोड़ा सा बढ़ रहा, हम उसके बाद स्नान करने लगे तो देखे फिर घर के आगे टेलर पे लड़की नाच रही है, पूरा अश्लील गाना उना सब बज रहा विसर्जन के दौरान। विसर्जन के दौरान हम जाके बोले वहाँ पे लड़का था कि ये क्या कर रहे हो, चारों तरफ माँ बहन है, घर परिवार है, पुतहु है, बेटी है, ये गाना बोला कि नहीं बजेगा। उसके बाद हमारे ऊपर जो है सो मारने पर उसका लाठी से या उंगली में जो है देखिए ये किया बच्चा में पीछे जो है थाना को सूचना दिए। हाँ, थाना क्या बोला? सूचना दिए, बड़ा बाबू बोले कि हम अति में है करौली मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में, पहले SDO साहब को भी बताए, SDO साहब बोले थाना प्रभारी को बोल रहा है। उसके बाद थाना की अधिकारी गई, छोटा दरोगा गए थे, उसके बाद हम पुनः थाना आए और FIR जो है सो सबके ऊपर FIR लॉन्च किए, जिसका कॉपी हम आपको समर्पित कर रहे हैं।